अस्सलामु अलैकुम असल व बरकातहू अलहमदिल्ला कफ़ा व अला इबाद लदीन अस्तफ़ी अबाद मोहतरम नाज़रीन इकराम आज की शुवाल शुवाल के रिश्त का मौजू है शवाल में शवाल के रोज़े या कजा के रोज़े औरत पहले कज़ा करेगी या शवाल के रोज़े रखेगी याद रखिएगा कुछ रोज़े ऐसे हैं जो महीने के साथ ख़ास हैं जैसा शवाल का रोज़ा है इसलिए एक हदीस के अंदर आया सही मुस्लिम किताबु सयाम

छे और मिला लिया तो तीन सौ साठ हो गए तो ये जमाने का रोजा शवाल के रोजे के बारे में यह है कि हम शुरू में भी रख सकते हैं बीच में भी रख सकते हैं आखिर में भी छह रोजे लगातार रख सकते हैं शुरू भी लगातार रख सकते हैं बीच में भी रख सकते हैं आखिर में भी रख सकते हैं एक शवाल से लेकर उनतीस शवाल तक या तीस शवाल तक अब ये तो हो गया लेकिन जो फर्ज रोजे छूट गए जैसे आदमी बीमार है मुसाफिर है या औरत हाइजा है जिसको महीना आता है या निफास है डिलीवरी हुई बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या करेगी उसके लिए बेहतर यह है ऐसे लोगों के लिए बेहतर यह है कि वो अपने फर्ज रोजे पहले पूरा करें। लेकिन अगर फर्ज रोजे पूरा करने में शवाल का महीना निकल जाता है तो फिर शवाल वाला रोजा तो मिलेगा नहीं तो महीना यह मिला हुआ है क्योंकि यह खास महीने के साथ है शवाल के महीने के साथ है लेकिन जो रोजे रमज़ान में छूट गए उसके लिए हमें और आपको शवाल से लेकर आइंदा रमज़ान तक यानी शाबान तक मौका मिला हुआ एक हदीस के अंदर आया सही बुखारी किताब किताबी उन्नीस सौ पचास वन नाइन फाइव जीरो कहा अशोकनबी सल्ला औबिन नबी सल्ह उमिनयशा रज़ी कहती है कि हम लोगों पर रमज़ान के रोजे जो छुटे हुए होते थे ये होते तो हम उसको कब पूरा करते है? शाबान के महीने में क्योंकि तो नबी वसल्लम शाबान के महीने में नफली रोज़े ज़्यादा रखते थे तो पता यह चला जो रोज़े छूट गए हैं उसके लिए हमारे पास टाइम है शवाल से लेकर शाबान तक टाइम है लेकिन शवाल के रोज़े जो छः रोज़े हैं उसके लिए हमारे पास साल भर का टाइम नहीं है वो सिर्फ शवाल के महीने में रखना है बेहतर यही है कि आदमी पहले जो फ़र्ज रोज़े उसको पूरा करें अगर फ़र्ज़ रोज़े पूरा करने में ये महीना शवाल का निकल जाने का डर हो तो बेहतर यह है कि शवाल के पूरा कर ले और उसके बाद जो फ़र्ज रोज़े हैं वो पूरा कर ले। इंदी लें हाजमाएंगी वालम वामक वरह व